नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील चौधरी खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी बस में बैठा हूं जो आज धर्म सभा के लिए निकली हुई है और ये प्रस्थान कर रही है मथुरा से। और जैसा कि यहां पे बताया गया है कि राम मंदिर बनना बहुत ही अति आवश्यक है, इसके लिए इन्होंने अपना एक बहुमत दिखाने के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान हुए हैं। और जो आज के समय में अगर बहुमत जहाँ हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है, तो ये मथुरा से निकली है बस। हमारे साथ हैं दुर्गेशी, हम दुर्गेशी से पूछेंगे कि इनका क्या मकसद है यहाँ से जाने का और क्या ये चाहते हैं। दुर्गेशी आप बताइए। दोस्तों, आज हम हमारा हिंदुस्तान अखंडता और एकता के पथ पर है और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं हम अपने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए, और सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमें आज एक सुप्रीम कोर्ट को बताना है और एक तय करना है कि हम अपना मंदिर स्वयं बनाएंगे और एक भव्य मंदिर निर्माण हो। इसलिए हम सब हिंदुत्व की ताकत दिखाने रामलीला मैदान जा रहे हैं, फिर यहाँ से कूच करेंगे अयोध्या के लिए, और भगवान श्री राम का मंदिर बन के रहेगा, हर हाल में बन के रहेगा। जैसा कि 2014 में मोदी सरकार आई थी संकल्प लेकर के कि राम मंदिर हम बनाएंगे, और 2019 के इलेक्शन से ही पहले क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, सरकार आई और बहुत अच्छी व्यवस्था रही, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमारा देश हिंदुत्व की तरफ बढ़ा है, एक शख्सियत के तौर पर उभरा है। लेकिन जरूरी था कि केवल केंद्र सरकार से काम नहीं चलता, फिर हमारे सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आई, अब हमारी पूर्व बहुमत की सरकार है। और हम ये सरकार से भी कहने जा रहे हैं कि अध्यादेश जारी करें और हिंदुत्व का सपोर्ट करें और भगवान श्री राम का मंदिर बनवाएं। रही 2014 वाली बात, तो लगातार एक विकास की व्यवस्था को देखते हुए प्रक्रिया चलती रही, और आज वो दिन है तो प्रदेश में भी राज्य में भी सरकार है जो और पूर्ण बहुमत से भी है और सारी व्यवस्था अपनी है, तो मंदिर बनाया जा सकता है और मंदिर बन के रहेगा। जैसे कि अगर हम देखते हुए चले कि प्रधान से लेकर के CM और PM तक एक हिंदू छवि वाले नेता हैं, तो जो हिंदू संगठन है उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि एकजुट होकर के अपना बहुमत दिखाने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधान तक की बात नहीं है, वो तो एक मार्गदर्शक है। आज हिंदुत्व का एक नाम पर हिंदू का हर बच्चा हिंदुत्व के व्यवस्था में है, हिंदुत्व के साथ काम कर रहा है, और हर एक अपनी ताकत के साथ ये दिखा रहा है कि हमें राम मंदिर बनाना है। पहली सरकारों की नीतियाँ कुरीतियों में बदली, उन्होंने जैसे कि सरकार सेवकों पर गोली चलवाई और तमाम तरह की व्यवस्था बिगाड़ी और मुस्लिम समर्थन में रही, जो कि हम अपनी सरकार में न होते हुए सब नहीं कर पाए। अब हमें ये बताना जा रहे हैं, ये जरूरत इसलिए पड़ रही है कि सबकी समझ में आ जाए कि सब हिंदू एक हैं और राम मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिससे कि जैसे तमाम दलीलें देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल जी वगैरह, तमाम दुनिया भर के कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, हिंदुत्व की आस्था कम है, तो हम बता रहे हैं कि हिंदुत्व कितनी आस्था है आज हम दिखा के रहेंगे जिससे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। जैसा कि कपिल सिब्बल का सवाल आया है, तो कपिल सिब्बल जी ने बोला था कि 2019 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई हो, उससे पहले ही आपने उनके अंदर अंतर्घात हमला करने की साजिश है कि अगर राम मंदिर भगवान राम का मंदिर नहीं बने और किसी भी तरीके से छल कपट से वो लोग सरकार बनाए फिर वो हमेशा के लिए रोक लगा देंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। आज हिंदू जाग चुका है, आज हिंदू एक है और भगवान राम का मंदिर बनेगा, हर हाल में बनेगा, बहुत भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जय श्री राम, जय हिंदू। हमें राम मंदिर बनवाना है, हम सब हिंदू एक साथ एकजुट होकर इसका समर्थन करते हैं, राम मंदिर बनाएंगे, रामलला को लाएंगे। जय श्री राम। राम मंदिर बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे, रामलीला मैदान में अपना बहुमत दिखाएंगे। क्या करने के लिए? मंदिर बनवाने के लिए।
मंदिर तो अयोध्या में बनना है, दिल्ली में क्यों? बहुमत बहुमत दिखाने के लिए और अयोध्या जाएंगे, मंदिर बनेगा। आज का जो समय है हमारा क्यों आया, इसके लिए एक तो हमारा केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पहले इन्होंने वायदा किया था कि मंदिर और विकास दोनों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन मंदिर की जब बात आती है तो उसमें राजनीतिक पार्टियों को इसमें संलिप्त कर लिया जाता है कि वो नहीं चाहते हैं, वो उसमें जो है बाधा डाल रहे हैं। इसके लिए कौन, हम हिंदुओं को थोड़ा एक होना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और इनको जो है मंदिर बनवाने के लिए विवश करना पड़ेगा। अब बात ये बात सुप्रीम कोर्ट के साहब उसके जजमेंट आया तब उसके बाद मंदिर बनेगा, ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले से हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये कब तक, ये जब तक हम लोग नहीं जागेंगे इसका जो है उत्तर मिलेगा ही नहीं हमको। इसलिए हमको जो है ये बाधे बाधे जो करते रहते हैं कि मंदिर का मुद्दा लेके ये जीत जाते हैं, विकास का मुद्दा लेके जीत जाते हैं, तो इसलिए खाली खाली ये खोखले पर तरीके से ये काम नहीं चलने वाला है। ये कुछ दृढ़ संकल्प हमको लेना है, मंदिर बनवाना है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी रामलीला मैदान में कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी सफर कर रहे हैं, तो हमारे साथ उनमें से हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप क्या संकल्प लेकर के रामलीला मैदान जा रहे हैं? मैं हमारे श्री राम को टेंट से निकालकर एक भव्य मंदिर में बिठाना है, और हमें हिंदुओं का हक, हमारा हमारे अष्ट, हमारे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनका स्थान देना है, और ये दिखाना है इस कांग्रेस को कि ये राम मंदिर के खिलाफ है। अभी तो ये 44 सीटों पर आई है, इसको 0 बना देना है। या तो कपिल सिब्बल कान पकड़ के मुर्गा बन के माफी मांगे हिंदुओं से, और नहीं तो कांग्रेस को देश से मिटा देंगे बिल्कुल। कांग्रेस वाले कान खोल कर सुन लो, ये पप्पू कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, इसको हम देश का सफाई कर्मचारी भी नहीं बनने देंगे। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, इन्होंने हिंदुओं को और हमारे भगवान राम को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई, हमारे राम को टेंट में बिठा दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हमारे राम कहाँ पैदा हुए थे। अबे आतंकियों, ये बताओ कि ये बाबर कौन था? बाबर एक लुटेरा था, आतंकी था। उस आतंकी को, उस आतंकी का नाम दिल्ली में से मिटा देना है। आज हम कोशिश करेंगे कि बाबर रोड पर जाके हम बाबर रोड के उस बोर्ड को पेंट कर देंगे और वहां लिख देंगे श्री राम रोड, राम जन्मभूमि रोड। जैसा कि जय श्री राम, जैसा कि कांग्रेस ने अभी तक ये दलील दी है कि राम मंदिर का जन्म स्थान क्या है वो प्रूफ करके दिखाए, और उसमें ही एक जो मुस्लिम सलाहकार है वो भी यही कह रहे हैं कि पहले प्रमाण तो दें कि राम मंदिर का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पहले तो कांग्रेस अपना प्रमाण दे, राहुल गांधी अपना वो दे कि राहुल गांधी है क्या, वो प्रूफ करें राहुल गांधी क्या है, वो अपनी जाति, वो गांधी है, नेहरू है या वो फिरोज खान है, पारसी है क्या, क्या है वो? आज वो जनेऊ पहनते हैं, अपने आप को हिंदू कौल ब्राह्मण कहते हैं, हम कहते हैं ये आतंकी हैं, ये आतंकियों के आका हैं, ये आतंक को पनाह देने वाले आतंकियों के सबसे बड़े पड़दादा हैं, ये आतंकियों की पार्टी है, ये आतंकवादियों को समर्थन करती है। रात को 12 बजे एक आतंकी के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलता है, और राम मंदिर के लिए कहते हैं 2019 के बाद, ये कौन सा वो है इनका स्टैंड? इनका तो सुपड़ा साफ कर देना आपकी बात। अभी आप सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं या राम मंदिर बनवाने के लिए जा रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा मकसद राम मंदिर, और उसके बाद है हमारा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। तो जैसा कि अभी आप दिल्ली रामलीला मैदान जा रहे हैं, मंदिर अयोध्या में बनना है, तो दिल्ली क्यों? दिल्ली कांग्रेस के जो कुछ अंधे बैठे हैं, सिब्बल जी बैठे हैं और कुछ लोग बैठे हैं, उनको ये दिखाना है कि हिंदू एकजुट है, हिंदू राम मंदिर बनवा के रहेगा, और तुम लोग भी हमारे साथ आओगे एक
दिन इनको हमारे साथ आना पड़ेगा, जैसे कि राहुल गांधी जी अब जनेऊ पहनते हैं, कोल ब्राह्मण बन गए, अब इनको भी बनना पड़ेगा। जैसा कि राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होकर के हिंदू समाज राम मंदिर को बनवा पाएगा? बिल्कुल, मोदी जी को अध्यादेश लाना चाहिए। ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है और हर हिंदू दिल से चाहता है कि हमारे भगवान राम को स्थान मिले। जैसा कि जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार भी दखलंदाजी नहीं दे सकती है, तो उससे पहले अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? एससी एसटी के लिए अध्यादेश ला सकते हैं, तो राम मंदिर के लिए भी ला सकते हैं। एसटी एससी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पारित जारी किया था कि एससी एसटी में ये प्रावधान है, तो अध्यादेश लाया गया था। अभी तक राम मंदिर के मुद्दे पर पूरा जो भी केस है उसको विचाराधीन ही रखा गया है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया। केस किस बात का? क्या सुप्रीम कोर्ट बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे? क्या सुप्रीम कोर्ट बताएगा? ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे या नहीं। जैसा ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट के पास अश्वलील फैसले देने के लिए तो टाइम है, भगवान राम के लिए टाइम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट हत्या की जड़ है। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली ये जान पूछ के खींच रहा है इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे देश की अदालत ही ना रहेंगी तो फिर इस वजह से फिर आप किस पे भरोसा करेंगे? हम अवेलना अदालतों की नहीं कर रहे हैं, हम अवेलना उन लोगों की कर रहे हैं जो अदालतों में गद्दार बैठे हुए हैं, जो न्यायमूर्ति कहते हैं अपने आप को, है वो भ्रष्टाचार की न्यायमूर्ति बनकर अन्याय मूर्ति, वो है भ्रष्टाचार की मूर्ति, कहते हैं न्यायमूर्ति। हम विरोध उन लोगों का कर रहे हैं जो गद्दार कोर्टों के अंदर एक न्यायमूर्ति का नकाब पहन के बैठे हैं राक्षस। तो सुप्रीम कोर्ट से आप क्या चाहते क्या है? हम अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते, हम तो मोदी जी से चाहते हैं, वो भारत सरकार से चाहते हैं, हम मोदी अब नहीं चाहते उससे, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट मैं बोल रहा हूँ मुझे जो सजा दे दे पर राम मंदिर चाहिए। अब हम मोदी जी से चाहते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। जैसे कि ये एक हिंदू की आस्था है, हिंदुओं की पूरे जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी आस्था है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी करे कि हो सकता है कि हम 2019 के बाद इसको सुनवाई करेंगे, तो उससे पहले आप क्या चाहेंगे? हमें राम मंदिर चाहिए 2019 से पहले, हमें चाहिए राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या बताएगा कि राम का मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा? कौन है सुप्रीम कोर्ट? ये तो हमें पता है ना। सुप्रीम कोर्ट है इंसान के लिए फैसला देने के लिए, भगवान का, भगवान पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। अभी तो केस भगवान का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, हमें राम मंदिर चाहिए और मोदी जी से अपील है कि राम मंदिर का जल्द से जल्द फैसला लाएं और लोकसभा में शीत सत्र में ही अध्यादेश ले जाएं। जैसा कि 2014 में मोदी जी के संकल्प पत्र में था, 4 साल से इस पर कभी नजर नहीं डाली गई, अब इलेक्शन 2019 का आने वाला है, तो उससे पहले ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? कहीं ना कहीं इसमें भाजपा की तरफ से या फिर हिंदू समाज की तरफ से भी जो कुछ इलेक्शन को मूवमेंट देने के लिए हो सकता है। क्या मोदी जी ने काम नहीं किया पिछले 4 साल में? राम मंदिर का संकल्प था तो राम मंदिर भरोसे रहा, ये हम अदालतों के भरोसे रहे, अब हम अदालतों के भरोसे नहीं रहेंगे। अदालतों ने फंसा के रखा 4 साल तक, इसको खींचते रहे, अब अदालत कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि सुनवाई को 2019 के बाद टाला जाए। राजनीतिक मुद्दा तो ये बना रहे, अरे हमारे भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम हमारे हैं, उनको स्थान मिलना चाहिए, इसमें कौन सी राजनीति है? तो इसको राजनीति का सवाल कहा, ये तो आस्था का सवाल है। तो आस्था का सवाल है, 2019 के बाद भी तो आस्था बनी रहेगी, उसके बाद भी तो मंदिर स्थापित हो सकता है। भाई साहब इंतजार तो हम कर ही रहे हैं और हम तो एक अपनी मांग लेके जा रहे हैं कि हमें मंदिर चाहिए। अब फैसला तो मोदी जी को लेना है, तो मतलब सब कुल मिलाकर के मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी के ऊपर है।
जैसा कि प्रधान से लेके सीएम, सीएम से लेके पीएम, पीएम तक अभी पूरा भाजपा के अंडर में है, अगर ये अध्यादेश लेकर के आते हैं, अध्यादेश नॉर्मली कभी अभी तक ऐसा आया नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा कोई भी केस विचाराधीन हो उस पर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा से कोई अभी तक अध्यादेश नहीं आया है। हो सकता है कि भारत के अंदर पहला एक अध्यादेश ऐसा आएगा जो कि आस्था के लिए हो सकता है ये बनाया जाए, वो भी अध्यादेश होगा तो वो प्राइवेट अध्यादेश के नाम से जाना जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि हम चल रहे हैं रामलीला मैदान, रामलीला मैदान में हिंदुओं की आस्था को देखते हुए कि वहाँ पर कितने लोग इकट्ठे हैं और उसमें देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें निकल के आती हैं, लोगों की मांग क्या है और मंच से किस चीज़ की घोषणा होती है वो देखना भी बाकी है। आगे हम चलते हैं और वहाँ पर देख करके आपको ज़रूर इस चीज़ के लिए बताएंगे। और जो भी ऐसी वीडियो देख रहा है उनको जो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद। Good job. Here I go.